बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ छोटी बेबी का स्कार्फ। एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और किसी ने मुझे कमेंट किया था, तो मैं इसलिए ये स्कार्फ बना रही हूँ। इस स्कार्फ को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सैटन का कपड़ा लिया है। ये कपड़ा थोड़ा पतला है लेकिन इसका पन्ना ज़्यादा है। ये आधा मीटर कपड़ा मैंने लिया है यहाँ पर, और इसमें लगाने के लिए मैंने पतली सी लेस ली है ताकि ये खूबसूरत लगे। और आगे जो मैं इसमें पट्टी लगाने वाली हूँ सर के पास, ये मैंने गोल्डन कपड़ा लिया है। ये कपड़ा जो अक्सर अनारकली में या फिर गाउन्स में नीचे लगता है वो कपड़ा है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें डबल फोल्ड करना होगा। तो इस कपड़े को हम खोल के रखेंगे, उसके बाद में हम इसे डबल करेंगे। आप देख सकते हैं सिर्फ आधा मीटर कपड़ा है लेकिन पन्ने का कपड़ा जो है थोड़ा ज़्यादा है। तो आपके पास जैसा भी कपड़ा है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। इसे हम डबल कर लेंगे इस तरह से, और फिर हम इसे क्रॉस में टर्न करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं डबल कपड़ा मैंने इस तरह से लिया है। अब हम इस कॉर्नर को पकड़ेंगे कपड़े का और इसे बराबर पे लेकर आ जाएंगे। जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं उसी तरह से हमें करनी है। इसे हम बराबर कर देते हैं पहले, और अब हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई के लिए हम इस तरफ से ही नापना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 20 इंच लिया है क्योंकि ये 2 साल की बच्ची का है, तो मैंने यहाँ पे 20 इंच लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप 3 साल की बच्ची का बना रहे हैं तो इससे थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं 5 इंच। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। इसी तरह से हम मेजर टेप को घुमाते जाएंगे और इस तरह से मार्क करते चले जाएंगे। सब तरफ हमें सेम नाप ही रखना है और मेजर टेप को बिल्कुल कॉर्नर पर ही हम रखेंगे। इसे मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। अब यहाँ से हमें कटिंग करनी है, तो हम यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। मैंने इसे कट कर लिया है, इसे हम हटा देते हैं। साइड वाला जो कपड़ा है इसे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल सर्कल में कटा है जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक कट होता है। और जो हमारा ये खुला वाला हिस्सा है ये फेस की तरफ का हिस्सा रहेगा। तो आपको जितनी फेस की आपकी गोलाई है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि ये छोटे बच्चे का है। और आप जब ये फेस का निशान लगाएं तो आप अपने बच्चे के चेहरे का आप नाप ले सकते हैं। कपड़े को इस तरह से पकड़ के गोलाई की तरफ से आप देख लीजिए कि कितना चाहिए, क्योंकि बच्चों के चेहरा किसी का बड़ा होता है, किसी का जो है छोटा होता है, तो उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच लिया है। यहाँ पर मैं कट लगा देती हूँ। यहाँ पे हमें जो है ऊपर की तरफ कैप लगानी है उसकी। इसे हम साइड में रख देते हैं। और जो पट्टी लगानी है हमें, आप चाहें तो जो इसका कपड़ा बचा हुआ एक्स्ट्रा है साइड से जो निकला था इसमें से भी हम कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लगाने के लिए अलग से गोल्डन कपड़ा लिया है क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ये लिया है। यहाँ पे मेरे पास ये क्रॉस में कटा हुआ पट्टा पहले का रखा हुआ था फ्रॉक में लगाने वाला, तो मैंने इसे डबल कर लिया है। तो मैं इसकी लंबाई जो है 12 इंच ले रही हूँ, यानी टोटल लंबाई है। इसे हमें हाफ इसमें फोल्ड करना होगा इस तरह से, लेकिन पहले मैं इसे कट करके अलग कर लेती हूँ। इस पट्टी को भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे इस तरह करने के बाद में हम टर्न कर लेंगे। अब हमें इसकी चौड़ाई का नाप लेना है। अब हम चौड़ाई के लिए यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाया है। हमें सिलाई के बाद में ये 3 इंच ही मिलने वाला है और 1/2 इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद में इस कॉर्नर से हम इसे मिला देंगे। हमें ये हिस्सा कट करना है। इसे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारी ये पट्टी कटी है, और इस पट्टी को हमें इस तरफ लगाना है। मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमारा खुला वाला हिस्सा था जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल यहाँ पे, हम इसे यहाँ पे अटैच करेंगे और चेहरे की गोलाई के हिसाब से उतना हिस्सा छोड़ के नीचे का हिस्सा हम सीधी सिलाई लगा लेंगे नीचे की तरफ से। चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं।
तो आज मैं आपको इस पट्टी को अलग तरीके से लगाना सिखाने वाली हूँ। जिस तरह से हम कॉलर लगाते हैं कमीज़ में या शर्ट में, उस तरह से मैं इसमें लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे सेंटर पार्ट लिया है स्काफ का, और इस पट्टी को देखिए इस तरह से मैंने रखा है। इसका भी सेंटर पार्ट हम ले लेंगे, और स्काफ का सीधा हिस्सा और पट्टी का सीधा हिस्सा एक दूसरे के ऊपर रहेगा। और इस तरह से पहले हम इसे पिनअप कर लेते हैं ताकि ये हिले नहीं, और हम इसे सेंटर से ही लगाना शुरू करेंगे। इस तरह लगाने से ये पट्टी जो है वो सही से बैठ जाती है, नहीं तो अगर हम कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी आगे पीछे हो जाती है। तो यहाँ सेंटर से हम सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम इसे यहाँ से टर्न कर लेते हैं, डबल सिलाई लगा देंगे और बिल्कुल बराबर पे हम लगाते चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने पट्टी से लगा ली है, अब हमें इसे टर्न करना है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से इसे हम टर्न करेंगे। अब हमें दूसरी तरफ की सिलाई लगानी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम किनारी की तरफ से मोड़ के एक सीधी सिलाई लगा लेंगे, ताकि जब हम इसे उसके ऊपर फोल्ड करके लगाएं तो बहुत ही सफाई से ये पट्टी लगे। सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई देखिए मैंने लगा दी है अच्छी तरह से, और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे क्योंकि ये गोल हिस्सा है तो इसे टर्न करने में कभी कभी जो है सही से नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कट लगा दिया है। अब दूसरे हिस्से को हमें इसके ऊपर रख के सिलाई लगानी है। इस तरह से हम कपड़े की सिलाई को अंदर की तरफ कर देंगे, लेकिन जो आगे का हिस्सा है जो हमारा फेस की तरफ थोड़ा सा खुला हुआ रहेगा वहाँ पर हमें पहले थोड़ी सी सिलाई लगानी होगी। हमें देखिए यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके थोड़ी सिलाई लगा लेंगे हम, क्योंकि वो नीचे का हिस्सा खुला है। अगर आपको बिल्कुल फिट नहीं बनाना है फेस के ऊपर, थोड़ा सा आप बड़ा रखना चाहते हैं, तो थोड़ी लंबाई आप इसकी बढ़ा के एक प्रेस बटन भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये मैंने बिल्कुल फिटिंग वाला बनाया है, ये चेहरे पर डालने के बाद में जो अच्छी तरह से फिट हो जाता है। अब हम इस पट्टी को जो हमने सिलाई लगाई थी इसके ऊपर कर देंगे। आप देख सकते हैं मैं यहाँ ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ, और जो हमने पतली सिलाई लगाई थी वो मैंने नीचे की तरफ रखा है। ये सर के ऊपर वाला हिस्सा रहेगा, और नीचे के कपड़े को हम इस तरह से बराबर करते रहेंगे। इस तरह सिलाई लगाने से ये जो पट्टी है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ लग जाती है। यहाँ पे हमारी पट्टी देखिए लग चुकी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से लगी है। आप देख सकते हैं ये आगे वाला हिस्सा है, और पीछे ही बहुत सफाई से लगी है हमारी पट्टी। अब हम चेहरे के हिसाब से ये हिस्सा छोड़ देंगे, और फिर नीचे का जो हिस्सा है उसे बराबर करके पलट के सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है हमें, और यहाँ पर हम डबल सिलाई करेंगे। हमने यहाँ पे डबल सिलाई लगा दी है, इसे टर्न करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसका बहुत जल्दी बन जाता है, आप किसी भी कपड़े से बना सकते हैं। अक्सर हम कपड़े सिलते हैं तो कपड़े बच जाते हैं, उस कपड़े से भी आप ये स्कार्फ तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, ये हमारा फेस वाला हिस्सा है। अब हमें नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। नीचे का जो हिस्सा है इसे आप चाहे तो इस तरह से मोड़ के भी सिलाई लगा सकते हैं डबल करके, लेकिन मैं नीचे लेस लगाने वाली हूँ तो मैं यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से फोल्ड करूँगी। ये लेस मुझे यूज़ करनी है, तो जो सीधा हिस्सा स्कार्फ का है मैं उसी तरफ ही इसे फोल्ड करने वाली हूँ इस तरह से, और फिर उसके ऊपर मैं ये लेस रख दूँगी ताकि जो हमने फोल्ड किया है कपड़ा वो बिल्कुल दिखाई ना दे और पीछे से बिल्कुल क्लीन दिखाई दे। तो इस तरह से मैं इसमें लेस लगाऊंगी, बहुत ही सफाई से लगती है। इस तरह से हम लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह से मैं फोल्ड कर दूँगी कपड़े को, और पूरी गोलाई से सीधी सिलाई लगाते चले जाएँगे।
इसके ऊपर हम लेस रखेंगे और बिल्कुल कपड़े पे से बहुत ही सफाई से हमें लगाना है, किनारे पे रखते जाएंगे। और ये जो लेस है वो एक ही सिलाई में अच्छी तरह से बैठ जाती है, हमें लेस को बिल्कुल खींचना नहीं है। इसी तरह से हम पूरी गोलाई से लेस लगा देंगे। यहाँ पे हमारी लेस लग चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये लेस। और हमारा स्कार्फ भी रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा 2 साल के बच्चे का स्कार्फ बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरा ये स्कार्फ पसंद आया होगा, आप ज़रूर ट्राई करिएगा छोटे बच्चे का ये स्कार्फ बनाना। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगे, आपको पसंद आई हो, तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए पैटर्न के साथ, नए स्कार्फ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।